वेलकम टू कुक माई फूड फ्रेंड्स। आज आप सभी के लिए इस वीडियो में आजकल चल रहे इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियां जैसे खांसी, नज़ला, बुखार से कैसे बचा जाए, वो भी हमारी किचन में बहुत आसानी से मिलने वाली कुछ ही चीज़ों से। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सॉस पैन ले, उसमें 2 गिलास पानी ऐड कर दें। उसके बाद 4 से 5 लौंग उसमें ऐड करें, 2 से 3 इलायची, ध्यान दें इलायची के छिलकों को थोड़ा सा हटा लें, 10 से 12 काली मिर्चें, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 10 से 12 तुलसी के पत्ते अच्छे से ऐड करें और ऐड करने के बाद पानी में मिक्स कर दें। पानी को अच्छे से उबालना है और बीच बीच में थोड़ा हिला देना है। पानी को तब तक उबालना है जब तक ये आधा ना रह जाए, 2 गिलास पानी का 1 गिलास पानी ना रह जाए। आप देख पा रहे होंगे पानी का कलर चेंज हो गया है। 1 गिलास पानी होने पर 1/4 स्पून हल्दी ऐड करें। हल्दी को ऐड करने के बाद 2 मिनट तक बॉयल करें। काढ़े का कलर आपको येलो नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा, अब आप इसको छान लें। छानने के बाद आप इसमें 1 चम्मच शहद ऐड कर दें। अब हमारा काढ़ा तैयार है, आप इसे चाय की तरह पी सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर वीडियो को शेयर ज़रूर करें।